हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन एंड ये आपकी क्लास 13 है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि लॉन्च किया गया है क्वालिटी को असेस करने के लिए, चेक करने के लिए, जो कि हर स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है और बेसिकली ये स्कूल एजुकेशन के लिए है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। The Ministry of Human Resource Development has launched 70 points grading index to assess the quality of school education in the states. तो basically इसको Ministry of Human Resource Development के द्वारा launch किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। 70 point grading index इसको बोला जाता है और इसके थ्रू हम चेक करते हैं कि स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी क्या है हर एक स्टेट में इंडिया में। The salient feature of the 70 point grading index are, कौन से इसके important features हैं। The 70 point grading index will assess areas of deficiency in each state's school education system so that targeted interventions can be made at every level from pedagogy to teacher training। तो पहला जो important feature है वो ये है कि इस 70 पॉइंट इंडेक्स ग्रेडिंग इंडेक्स से हमें ये पता चलेगा कि कहाँ पर स्टेट्स के जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे कहाँ पर डेफिशिएंसी है, कहाँ पे कमियाँ हैं और उन कमियों को हम किस तरीके से इंटरवीन करके, किस तरीके से हम उसमें चेंजेस लाकर या उसमें हस्तक्षेप करके हम उसको बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको उसका बेनिफिट, मतलब उसके अंदर एक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं या उसका बेटरमेंट कर सकते हैं। और ये जो इंटरवेंशंस होंगे, जो भी हस्तक्षेप होंगे, वो आपके पेडागॉजी लेवल पे भी होंगे और मतलब दैट मीन्स कि शिक्षा शास्त्र के लेवल पे भी होंगे और टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उस लेवल पे भी होंगे। द 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स एम्स एट हेल्पिंग स्टेट अंडरस्टैंड वेयर दे मे बी लैगिंग बिहाइंड एंड प्रायोरिटाइजिंग एरियाज फॉर इंटरवेंशन टू एंश्योर दैट द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज रॉबेस्ट एट एवरी लेवल। तो इसमें 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स में हम बेसिकली हमारा ये एम है कि हम हर एक स्टेट को ये बताएंगे कि कहाँ पर वो लैग बिहाइंड कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे उनकी कमियाँ हैं, वो कहाँ पे इसकी वजह से पीछे चले जा रहे हैं और उनको ये भी बताएंगे कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, मतलब क्या क्या चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आपकी प्रायोरिटीज़ किस एरियाज़ में होनी चाहिए और कहाँ पे आपको या गवर्नमेंट को या स्टेट को इंटरवीन करने की, हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारा ये मतलब हमारा ये पर्पस है, ये हमारा एम है कि हम जितना भी स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको रोबस्ट बनाएं और एट एवरी लेवल, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे हायर सेकेंडरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो, हर एक लेवल पे हम इसको रोबस्ट बनाएं, मतलब हम इसको ताकतवर बनाएं, मजबूत बनाएं, ये हमारा एम है। Under the grading index, 70 indicators will be used to grade state schooling systems on area like number of existing teacher vacancies, number of direct entry recruitment, especially at leadership positions, school infrastructure and so on. तो 70 indicators इन्होंने बनाए हैं जिसके basis पे जितने भी school होंगे उन सबको grade किया जाएगा और जो जो indicators हैं उसमें आपके number of vacancies कितनी है, existing teachers कितने हैं, direct entry में कौन सा recruitment हुआ है और अगर आपने leadership में direct entry की है, जैसे कि मैनेजमेंट होता है, ठीक है, तो जो मैनेजमेंट होता है किसी भी स्कूल का, वो जिसका वो स्कूल होता है वो अपना खुद का मैनेजमेंट नियुक्त करता है, ठीक है, वो खुद से अपने आप से वो मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता है और सरकार उसका कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं करती है। तो यहाँ पे 70 इंडिकेटर्स में ये भी चेक किया जाएगा कि आपने किस तरीके से मैनेजमेंट के रिक्रूटमेंट किए हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी भी स्कूल में मैनेजमेंट ही नहीं मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षित है या पढ़ा लिखा है या वो कैपेबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ऑफकोर्स आपका जो स्कूल है वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो ज़्यादातर क्या होता है कि लोग जिनके स्कूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ही घर वालों को या आसपास के लोगों को ही उसमें अपॉइंट कर देते हैं विदाउट कंसिडरिंग देयर क्वालिफिकेशन। तो अब क्या होगा, अब ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा, प्लस आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे मान लीजिए आपने दो कमरे में एक आप 10th तक का स्कूल चला रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होगा, आपको प्रॉपर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो आपका स्टेट, मतलब स्पेशली ये स्टेट स्कूलिंग के लिए, जितने भी स्टेट होते हैं उनके खुद के जो बोर्ड्स होते हैं उनकी स्कूलिंग पे इसमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा। देन द इंडेक्स विल असेस स्टेट ऑन अ 1000 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम विद 10-20 पॉइंट्स पर पैरामीटर। तो यहाँ पे उनको पॉइंट्स दिया जाएगा, हर एक पैरामीटर जो आप मीट करेंगे उस पे आपको कुछ पॉइंट्स
मिलेंगे. द गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप अ सेपरेट फंड ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग फंडिंग मैकेनिज्म टू हेल्प स्टेट टेक अप इम्प्रूवमेंट एक्सरसाइजेस. और जहाँ पे भी उनको लगेगा कि यहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी रेटिंग्स कम है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेपरेट फंड बनाया है और उस फंड के थ्रू स्टेट्स को पैसे दिए जाएंगे ताकि वो जो भी इम्प्रूवमेंट है या जो भी जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें और इम्प्रूवमेंट को बनाए. The index will reinforce competitive federalism by giving the correct picture of where every state stands and include a fair competition to improve each other's performance. तो ऐसा ज़्यादातर बोला जाता है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ का जो बोर्ड है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ की पढ़ाई की कोई उतनी वैल्यू नहीं है. तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो आपस में जो स्टेट्स हैं उनके बीच में फेयर कंपटीशन होगा, उनको एक दूसरे की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा. जैसे अभी तक हमें ये पता है कि जो केरला है वो सबसे ज़्यादा शिक्षित स्टेट है, तो हो सकता है कि वहाँ का जो बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो. तो अभी तक सिर्फ हमें इतना पता है, बट जब हमारे पास एक स्केल होगी, एक रेटिंग स्केल होगी, तो हमें ये भी एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि वो कहाँ पे अच्छा है, कौन कौन से फील्ड ऑफ एरियाज है जहाँ पे वो स्टेट काम करता है. तो उसी चीज का हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं हमारे डिफरेंट स्टेट्स में. नेक्स्ट है आपका, द मिनिस्ट्री हैज़ इनिशिएटेड द ग्रेडिंग इंडेक्स टू फोकस ऑन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. तो इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया है एक ग्रेडिंग इंडेक्स को, जिसके थ्रू हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर सकते हैं. द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ असेसमेंट टू स्ट्रेंथन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एंड हैंड होल्ड स्टेट इन एंश्योरिंग कस्टमाइज टीचर ट्रेनिंग एंड वर्क ऑन पेडागॉजिकल इम्प्रूवमेंट. तो इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ने ये भी स्टार्ट किया, ये भी सोचा है कि वो एक प्रोसेस को सेट करेंगे जिसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट का असेसमेंट होगा. एक ऐसा मतलब कह सकते हो कि ऐसी बॉडी होगी जो कि हर एक इंस्टीट्यूट को असेस्ट करेगी और उनके कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो उनका डेवलपमेंट है उसके बारे में फोकस करेगी, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पेडागॉजिकल इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो. तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.